दोस्तों आज काफी समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकतर वीडियो वार से रिलेटेड है, जिसके कारण YouTube ने मेरे चैनल को एक अलग ही लिस्ट में डाल दिया है, जिससे मेरा रिवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया है। इसलिए मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी था, लेकिन आप लोगों का प्यार देखकर मुझे फिर से हिम्मत मिली है, इसलिए मैं आज फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, मेरे वीडियो अब हर टॉपिक पर आएंगे, इसलिए मैं फिर से वर्ल्ड वॉर की सीरीज स्टार्ट करूँगा। अब YouTube को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के बारे में कि वो कैसे टूटा। मेरे नए YouTube चैनल हिस्ट्री बाबा पर तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया की दो महाशक्ति USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो दूसरी ओर USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इन दोनों के बीच में शुरू से ही एक दुश्मनी पनपती रही है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अलग अलग विचारों को फॉलो करते हैं। USA कैपिटलिज्म को फॉलो करता है तो USSR कम्युनिज्म को। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, सबसे अलग और सबसे आसान। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो चाहिए या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान USA और USSR ने मिलकर जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ कार्रवाई की और जीत भी हासिल की, लेकिन जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए तब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि USA एकदम से विश्व शक्ति बन गया जो कि USSR को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, जिसके कारण दोनों के बीच हथियारों की होड़ चालू हो गई। अब USA की नीतियां बहुत ही अलग थी, जिसके कारण USA को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भैया उस समय USSR की कमान स्टालिन के हाथों में थी और इस महाशय ने जो तानाशाही की उसके सामने तो हिटलर भी शर्मा जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए एक वीडियो है मेरे पास, उसे देखेगा ज़रूर। स्टालिन के विचार बहुत ही अलग थे। स्टालिन ने हजारों लाखों की संख्या में अपने ही देश के नागरिकों को मारना शुरू कर दिया था, जिससे USSR की जनता में एक खौफ सा पैदा हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का, लेकिन हम जरा अब बात शुरू से शुरू करते हैं। जब USSR में एक आंदोलन शुरू हुआ 1917 में, जब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियाँ आपस में ही लड़ रही थी, जिसके बाद 1922 आते आते यह आंदोलन खत्म हुआ तथा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस समय के सोवियत संघ के नक्शे के बारे में। सोवियत संघ उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश था, खैर बड़ा तो आज भी है, लेकिन अब उसे रशिया के नाम से जानते हैं। और ये रहे वो देश जो उस समय USSR का अभिन्न हिस्सा थे। पहला रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मालदोवा, बेलारूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुमानिया। इन सभी देशों के अपने अलग अलग कानून थे, लेकिन इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी मास्को में ही तय होती थी। सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है अफगान वार का, क्योंकि इतना ताकतवर देश अफगानिस्तान में 10 साल तक संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में हार कर ही वापिस आया। अब इस घटना से हुआ क्या, यही कि सारी दुनिया में USSR के प्रति जो डर था वो खत्म हो गया। अफगान वार में USSR की काफी बदनामी हुई। दूसरा सबसे बड़ा कारण था USSR का कम्युनिस्ट होना, क्योंकि USSR में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो सब सरकार के अधीन थी। अब जो कंपनी सरकार के नियंत्रण में रहती है उसका क्या हाल होता है, आप यह उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसा कि आज भारत में BSNL और Jio, BSNL भारत सरकार के अधीन में है जबकि Jio एक प्राइवेट कंपनी है। अब आप BSNL की हालत जो है वो तो आप जानते ही हो, इसलिए वहाँ भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, जिससे सोवियत संघ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। चलिए अब आते हैं प्रमुख घटनाओं पर। उस समय 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि USSR का सबसे बड़ा ओहदा होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह किया कि USSR में जो कम्युनिज्म की पॉलिसी थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। ये अपनी तीन प्रमुख पॉलिसी लेकर आए, इनमें प्रमुख थी ग्लासमोस, उस्कोरेनी और पेरेस्ट्रोइका। इन पॉलिसी के तहत अब मीडिया को पूरी आज़ादी दी गई कि आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी छापिए, सरकार आपको जेल में बंद नहीं करेगी। साथ ही जो चुनाव होंगे उन चुनावों में एक से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ सकेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की भी बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन भाई साहब यही वो कारण बने सोवियत संघ के टूटने के, क्योंकि इतने दिनों से अपने दिलों में दर्द छुपाकर बैठे लोगों को आपने बोलने की आज़ादी दे दी तो वो क्या चुप रहेंगे। मीडिया ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। जो USSR के दूसरे देश थे वहाँ भी आज़ादी की मांग उठने लगी। अब एकदम से सुधार करने की कोशिश में वहाँ की अर्थव्यवस्था और गिर गई, जिसके कारण खाने पीने के साधनों में बहुत बड़ी गिरावट आई। उल्टा लोग ही अपनी सरकार के खिलाफ हो गए, जिसके बाद अंत में 1990 में एक आंदोलन का दौर चला जिनमें ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, रोमानिया देश शामिल थे। ये सभी USSR का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन इन सभी देशों में एक भाड़े की सरकार होती थी
जो यूएसएसआर के इशारे पर चलती थी। इस बार हुए इन आंदोलन में गोर्बाचेव ने वहां की सरकारों की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन देशों से कम्युनिज्म का सफाया। जर्मनी में भी नवंबर 1990 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसके बाद 1990 और 1991 में यूएसएसआर के बाकी बचे देशों में भी आंदोलन शुरू हो गए। वहाँ पर आम चुनाव भी हुए जिसमें वहाँ की कम्युनिज्म पार्टियाँ हार गई और इन देशों को आज़ादी मिल गई। यहाँ तक भी गोर्बाचेव का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्य गोर्बाचेव की नीतियों के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ टूटे, इसलिए इन लोगों ने धोखे से गोर्बाचेव को नज़रबंद कर दिया जब वो क्रीमिया पर अपनी छुट्टियाँ मना रहे थे और अपनी जनता को यह बताया कि गोर्बाचेव बीमार हैं और अब हम ही सोवियत संघ के माए बाप हैं। लेकिन अब लोग कहाँ मानने वाले थे, इसलिए मास्को सहित कई बड़ी जगहों पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, जिसे अगस्त कूप भी कहा जाता है। और यह घटना लगभग 19 अगस्त 1991 की है, जब सारे लोग पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए। इन आंदोलनों को दबाने के लिए आर्मी का भी सहारा लिया गया, लेकिन अधिकतर आर्मियों की टुकड़ियों ने इस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि रेड आर्मी की कई टुकड़ियों ने साफ कह दिया कि वो अपने ही लोगों पर फायरिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण यह आंदोलन दब नहीं सके। जिसके बाद 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, वेलावेजा, यूक्रेन और रशिया जैसे बड़े देशों ने एक समझौता साइन किया, जिसके तहत यूएसएसआर संगठन को निष्क्रिय कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया, सीआईएस। अब जो बड़े बड़े देश थे वो यूएसएसआर से बाहर तो हो ही चुके थे, इसलिए गोर्बाचेव ने 21 दिसंबर को सभी देशों के नेताओं को बुलाया और फॉर्मली सभी देशों को आज़ादी दे दी गई। और 25 दिसंबर को गोर्बाचेव ने इस्तीफा भी दे दिया तथा 26 दिसंबर को ऑफिशियली सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया। दोस्तों, यूएसएसआर और यूएसए की बात करें तो उस समय यूएसएसआर यूएसए से काफ़ी आगे था, मतलब सोवियत संघ के टूटने से पहले। चाहे वो स्पेस हो, जिसमें पहला उपग्रह यूएसएसआर नहीं भेजा था स्पुतनिक 1, चाहे वो पहला नागरिक हो यूरी गागरिन, या चाहे वो पहला जानवर हो लाइका, चाहे वो हथियारों की होड़ हो, लेकिन इन सभी कारणों से सोवियत संघ की इकोनॉमी में अच्छा खासा नुकसान, और यही सबसे बड़े कारण बने सोवियत संघ के टूटने के। और दोस्तों, मेरा आज का वीडियो भी यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब करना तो मेरा हक बनता है यार, क्योंकि हमने समय का सही उपयोग किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।